वेलकम बैक टू माई चैनल एस ग्रेट आइडिया। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ नाइस रोज़ वाटर कप, जो कि क्लींजर प्लस मॉइस्चराइजर टोनर तीनों ही इसमें मिक्स है। तीनों ही चीज़ों के रूप में काम करता है ये रोज़ वाटर। और बैक साइड में इसकी दी गई है कुछ इन्फॉर्मेशन कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आपकी स्किन पर एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह ही वर्क करता है। और इसके कंपोजिशन जो है वो है आर्क ऑफ रोज़ वाटर 25%, ग्लिसरीज 1% एंड परफ्यूम इसमें ऐड किया गया है 1%। और इसमें प्योरीफाइड वाटर जो है वो भी इसमें यूज़ किया गया है। तो यह नाइस रोज़ वाटर का जो कंबाइन है उसमें ग्लिसरीन जो है वो ऐड किया गया है, जो कि एक बहुत ही वंडरफुल क्लींजर होता है आपकी स्किन के लिए। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर जो होता है वो उसका ये रोज़ वाटर काम करता है। बहुत ही अच्छा टोनर होता है उसका भी जो है रोज़ वाटर काम करता है। तो तीनों ही रूप में आपकी स्किन पर ये काम करता है। और इसमें जो है फ्रेश गुलाब की पत्तियों का अर्क ऐड किया गया है, जो कि आपकी स्किन को बहुत ही हेल्दी एंड ब्यूटीफुल ग्लोइंग जो है लुक प्रोवाइड करती है। और नेक्स्ट कि आपको इसमें यूज़ करना कैसे, तो यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया, आप देख सकते हो। इसको आपको कॉटन पैड से आपको इसको यूज़ करना है। कॉटन में आपको थोड़ा सा जो है रोज़ वाटर लेना है और उसको अपनी स्किन पर आपको लगा लेना है। और आप चाहे तो दिन में भी इसको लगा सकते हैं, रात को भी आप लगाकर ओवरनाइट अपनी स्किन पर इसको छोड़ सकते हैं गुलाब जल को। और इसके ऊपर से अगर आप चाहें, आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो अगर आप चाहें तो मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, वरना अकेला आप जो ये गुलाब जल लगाकर भी अपनी स्किन को ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। और विंटर्स की तो मैं नहीं कह सकती, बाकी अदर सीजन में आपकी स्किन को जो है बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होने देता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है रोज़ वाटर। और आपको इसकी मैं पैकेजिंग दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके की इसकी बॉटल पैकेजिंग आती है। इसके अंदर कुछ इस तरीके का ट्रांसपेरेंट आपको रोज़ वाटर मिल जाता है, देख सकते हो। कोई कलर वगैरह ऐड नहीं किया गया है। नाइस के जो है प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे आते हैं और काफ़ी सारा इसमें आपको रोज़ वाटर मिल जाता है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको इसको रेगुलर यूज़ करना है। और फ्रेगरेंस आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी, इसकी माइल्ड सी फ्रेगरेंस है। रोज़ की जो है इसमें खुशबू आती है गुलाब की, ऑब्वियसली गुलाब जल है तो गुलाब की खुशबू ही आएगी। और बात करें इसकी प्राइस की एंड क्वांटिटी की, तो 38 रुपीज़ इसकी प्राइस है और 100 ml इसकी क्वांटिटी, तो काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ आपको ये रोज़ वाटर मिल जाता है। और लगभग 3 साल की सेल्फ लाइफ के साथ आपको मिल जाता है, आराम से आप इसको 3 साल तक यूज़ कर सकते हो। तो 38 रुपये में आपको ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। और बहुत से लोग इसको जो अपनी आँखों के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आँखों के लिए ये परचेज़ करते हैं, तो आँखों के लिए ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन वगैरह परफ्यूम वगैरह ऐड किया हुआ था हल्का फुल्का फ्रेगरेंस के लिए। और इसमें प्योर रोज़ वाटर नहीं होता है, ये स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है लेकिन आँखों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। आप आँखों के लिए अगर आप कोई भी गुलाब जल यूज़ करना चाहते हैं तो प्योर रोज़ वाटर जो आता है उसी को आप आँखों के लिए या फिर कोई डॉक्टर से सजेस्ट करके ही आप उसको रोज़ वाटर को अपनी आइज़ के लिए यूज़ करें। और आप इस रोज़ वाटर को एज ए फेस पैक में आप मिलाकर इसको यूज़ कर सकते हो, एज ए टोनर आप इसको यूज़ कर सकते हो, एज ए मॉइस्चराइजर आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी चीज़ों में ये आपके 3-in-1, 4-in-1 आप इसको कह सकते हो, कई तरह से आप इसको यूज़ ले सकते हैं इस गुलाब जल को। और मुझे गुलाब जल काफ़ी जो है यूज़ेबल लगा। और भी कई सारे गुलाब जल की वीडियोज़ मैंने मेरे चैनल पर डाली हुई है। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड सही सही जानकारी आपको लेनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की वहाँ पर फेस वॉशेज एंड क्रीम की मैंने जो है वीडियो अपलोड की हुई हैं। तो यह था मेरा इस गुलाब जल के ऊपर, नाइस का जो गुलाब जल है इसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नए मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।